जैसे ही लियारी एंटर करती हूँ, जो गेट पे लिखा हुआ है वेलकम टू लियारी, मेरे सारे डर खत्म हो जाते हैं। कचरे तो उठा लो जाने, स्वेटर पहनो, कितनी सर्दी है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, व्हाट आर यू पेंटिंग, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, जानी हाउ आर यू। छोटे बच्चों को देखकर हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि जो उनकी ये नेचर आज बनी है, जरूर उसके पीछे कोई ना कोई एनवायरनमेंट का असर है। कोई क्रिमिनल बन गया तो क्यों बना, उसकी चाइल्डहुड में क्या हुआ था, ये चीज हमेशा से मुझे इंटरेस्ट करती थी। ओके, लेट्स ऑल से व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स, व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स, कैन यू गेस। सबीना कथरी पिछले 5 साल से लियारी में स्कूल चला रही हैं। कैन एन एलिफेंट गेट इनसाइड दिस बॉक्स। मेरे यहाँ किरण स्कूल में होने में बहुत बड़ा हाथ मेरे ब्रदर इन लॉ का है। उन्होंने स्कूल की बुनियाद आज से 14 साल पहले डाली थी। देखकर मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, कुछ करना होगा ज़रूर यहाँ, और जब तक मैं खुद इन्वॉल्व नहीं होंगी वो चेंज नहीं आएगा। किरण स्कूल में हम लियारी के सारे ज़हीन और काबिल बच्चों को जमा करके इकट्ठा करते हैं एक जगह, और उनको फिर हम इस लेवल पर पढ़ाते हैं कि वो मेरिट्स पे उन स्कूल्स में चले जाएँ जहाँ का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। किरण स्कूल से निकलने के बाद हमाद कराची के एक नामवर स्कूल में पढ़ रहा है। जब मैं छोटा था तब मैं सबको दिखता था कि ये लोग कैसे हैं, ये लोग कैसे हैं, मैं भी क्या बड़ा होकर ऐसा बनूंगा। मैं कहता नहीं नहीं नहीं, जब सभी आंटी ने मुझे चॉइस किया तो मैं अलग हो गया। जब बच्चे किरण स्कूल से निकल के दूसरे स्कूल जाते हैं, उन्हें लियारी और उन इलाकों में फर्क का एहसास होता है। मेरे स्कूल के जो दोस्त हैं वो लोग मेरे घर के में कभी नहीं आते। जब मैं लोगों को बताता हूँ वहाँ मेरा ये इलाका, तो वो लोग मेरे से बहुत हंसते हैं, क्योंकि जब वो लोग बड़े डिफेंस में, वो लोग फुटबॉल भी खेल सकते हैं, और हम लोग जो खेलते हैं हमारी तो छोटी जगह होती है, हम लोग छुप सकते हैं ना फुटबॉल में। जब हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो मम्मा बोलती है गली टूट जाएगी, बल्ब टूट जाएगा, पैसों कौन देगा। फिर हम लोग कुछ नहीं खेलते। मेरा नाम सामिया है, मैं लियारी में रहती हूँ। मुझे लगता है कि घर से बाहर जाना सेफ नहीं है। सभी आंटी ने हमें सिखाया है कि किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं स्पेशल हूँ, इसलिए सभी आंटी ने मुझे चूज करा। सबीना सिर्फ लियारी के बच्चों की ही नहीं बल्कि उनके वालिदैन की भी तरबियत कर रही हैं। माँ बाप को पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि माँ बाप बच्चों का फर्स्ट इन्वायरमेंट है। तो हम इस तरह से चलते हैं कि पहले माँ बाप को पढ़ाते हैं, फिर वही टॉपिक फिर हम बच्चे को पढ़ाते हैं। तो जब बच्चा घर जाता है तो माँ बाप को पहले से पता होता है कि आज मेरा बच्चा ये चीज़ पढ़ के आएगा और मैं उसको एडेड इन्फॉर्मेशन दूंगी। हु विल रीड इट फॉर मी। इन एंशिएंट ग्रीस सोक्रेट जो था, मैं मौके फिलोसोफर था। ठीक है, जो खामोश बैठे उनकी आवाज़ सुननी है मुझे। कोइंसेंस किसको बोलते हैं? जानने वाला, जान पहचान वाला। ठीक है, मेट द ग्रेट फिलोसोफर। आगे पढ़ो नहीं मैम। डू यू नो व्हाट आई जस्ट हर्ड अबाउट योर फ्रेंड? हाँ, क्या तुम जानते हो मैंने आपके आपके दोस्त से आपके बारे में? मुझे
मुझे फादर्स के साथ बात करने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज वो मेरी बात को इतना एब्जॉर्ब करते हैं. उनके साथ मेरी वंस अ मंथ मीटिंग इज इक्वल टू 6 मीटिंग्स विद द मम्स, बिकॉज मदर्स समझती हैं मगर डिसीशन मेकर्स नहीं हैं. जब बाप समझ जाता है तो वो घर जाते ही डिसीशन ले लेता है. अटेंडेंस अच्छी है माशाल्लाह. मैंने एक दफ़ा ज़कात के ऊपर बड़ा बहुत समझाया था सबको. ज़कात जो है सारी ज़िंदगी लेने वाली चीज़ नहीं है. क्या आपकी खुददारी आपको नहीं कहती कि मैं जल्द से जल्द अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ? इस स्कूल को स्टार्ट करने की वजह एक ये भी थी कि मैं आपको चस्का लगा दूँ अच्छी पढ़ाई का. बार बार आपको मैंने ये बात बताई है. जैसे एक नशा होता है ना. क्वेश्चंस लिख कर आए हैं आप लोग? हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ चीज़ें लिख कर आया करें, मसाइल लिख कर आया करें. कुछ भी नहीं या इधर लिख कर आए हैं? जहन में लिख कर आए. इस बात की मुझे आपसे शिकायत है और मैं हमेशा बोलती हूँ आपको ये बात कि आप लिखा करें. हम डेविएट हो जाते हैं उससे टॉपिक से. मैं होप्स पूछी थी आपसे. अच्छा, आपके ख्वाब क्या हैं? ख्वाब तो यहाँ एडमिशन होने के बाद हमने तो जागते जागते भी ख्वाब देखना शुरू किया. क्या बात है माशाल्लाह, आप इतनी देर से खामोश क्यों थे? वाह वेरी गुड. हम में पहले इतनी सेंस थी नहीं एजुकेशन के हवाले से, पर यहाँ आके हमें पता चला कि एजुकेशन है क्या चीज. सेंस तो आ गई है पर सिंसियरिटी अभी तक आई नहीं हमने. पाकिस्तान की तारीख में लियारी इतना बदनाम हो, इतने गोलियां चले, फिर भी आप लियारी में मौजूद हुए. सुबह 8 बजे 7 बजे लोगों का एहसास नहीं. अब तक सबीना ने 90 बच्चों की तकदीर बदल दी है. हर हफ्ते वो उनको लियारी से बाहर शहर के दूसरे इलाकों में ले जाती हैं। Let's close our eyes. Everyone has to imagine the new Liari. You are entering the gate of Liari. On the top of the gate is written, "Welcome to Liari." Now, as soon as you go inside that gate, people inside say, "Assalamu alaikum to you. Hello, how do you do today? It's a beautiful morning. How are you? Do you like that Liari?" Yes. Oh, I feel so good. उनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो जाता है लियारी के अंदर कि जो छोटी-छोटी सिंपल चीज़ें हैं ना लाइफ की वो उनको नहीं देख पाते. वो आंखें खोलते ही वायलेंस देखते हैं, प्यार नहीं देखते, जिंदगी नहीं देखते. लियारी के अंदर उनका एक्सपोजर बहुत बड़े पैमाने पे होता है. वो रोड पे चलते चलते ये लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जो नशे में पड़े हुए होते हैं. इनसे बात कुछ छुपी हुई नहीं है बच्चों से. जब इनको ज़िंदगी की वो छोटी छोटी चीज़ें हम दिखा रहे होते हैं ना, तो जब अपने एरिया में वापस आते हैं तो अपने ध्यान में आ रहे होते हैं. पूरा दिन जो उन्होंने प्यारी प्यारी चीज़ें देखी होती है ना, वो ही सोचते सोचते आ रहे होते हैं. तो वो जो गलत चीज़ें आसपास चल रही होती हैं ना, उनके ऊपर से वो नज़रअंदाज करते हुए चले जाते हैं. वो अपने ख्वाबों में चल रहे होते हैं, वो तितलियाँ गिन रहे होते हैं, वो फूलों के बारे में सोच रहे होते हैं. सबीना के कंधों पर बोझ बहुत ज़्यादा है. प्राइवेट स्कूल्स जाने वाले तमाम बच्चों की सरपरस्ती भी उन्हीं की जिम्मेदारी है. जब किरण स्कूल से किसी बच्चे का एडमिशन किसी बड़ी स्कूल में हो जाता है तो वहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, वहाँ से एक और कहानी शुरू होती है. और ये कहानी पिछली कहानी से बहुत ज़्यादा मुश्किल है. प्राइवेट स्कूल से बच्चों की रिपोर्ट्स के लिए स्कूल्स सबीना को ही बुलाते हैं और फिर सबीना वालिदैन को इन रिपोर्ट से आगाह करती हैं. सारे फादर्स हैं? क्यों नहीं है? हाँ, तो अचानक की का मतलब से पता नहीं चल रहा है इमरजेंसी है. मेरी आज मीटिंग थी, आप लोगों को पता है मैंने बताया था मुझे कल जाना है. सबसे पहले हम स्टार्ट देंगे मुर्तज़ा.
जिसको मेडल भी मिला स्कूल के अंदर सब कुछ, उसके बारे में इतनी शिकायतें मिली हैं आज मुझे कि उन्होंने कहा कि हम उसको प्रोबेशन पे रख रहे हैं। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए ग्रेड्स, हमें नहीं चाहिए मेडल्स, हमें बिहेवियर चाहिए, तो इस चीज़ को आप ठीक करें, ठीक है। इसके बाद इन्होंने हमें वापस दे दिया है शेर मोहम्मद शामिर दोनों। शेर मोहम्मद का तुम्हें पता है मसाइल, लेकिन क्या तुम्हें शामिर के पता थे? आप इतने जब बात करते हैं इतने शाइस्ता नज़र आते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, मगर आपके बात करने का अंदाज़ आपके बेटों में क्यों नहीं है? I don't know. अगर आई डोंट नो आंसर है तो फिर मैं भी कह देती हूँ आई डोंट नो व्हाट टू डू। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है इनपुट। अमान का नील क्यों भाई? मैम मैंने आपसे ये कहा कि पैसे आने के लिए मुझे वक्त चाहिए। कितना? मैं जॉब अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ जहाँ मुझे नहीं। यही तुम गलत हो कि तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलती है जॉब में। बेशक बच्चों को जरूरत पूरी नहीं हो रही, उनकी तालीम पे पैसा नहीं लग रहा, तुम अपनी मर्जी के जॉब के इंतजार में बैठे हो। अखड़ दिमाग है ये बिल्कुल। तुम ये नहीं देख रहे हो कि वो बीवी तुम्हारी कितनी हर्ट हो रही है? उसका काम नहीं है बाहर निकल के कमाना, तुम उसको मजबूर कर रहे हो कि बाहर निकल के कमाए। अगर मैं 6 महीने कहीं जॉब करूं तो फायदा नहीं है? 6 महीने का खाना आएगा घर में, वक्ती तौर पे मैं फायदा उठाने के लिए? वक्ती तौर पे खाना आएगा, इंसान 2 दिन ना खाए ना मर जाता है। मैं कुछ नहीं बोल सकता फिलहाल इसमें, कुछ नहीं। अगर तुम बोल सकते तो मैं एक्शन लूंगी इस दफा। जिन लोग ले ले, ये आप लोगों की तरफ से जब चीज आती है ना नहीं पढ़ाए, क्योंकि आप लोगों को पता है ये मेरी कमजोरी है। मुझे पढ़ाना है, मैं करूंगी कुछ। मेरी नेचर में फाइटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है, मैं फाइट करती हूँ हर चीज को, और जब फाइट कर रही होती हूँ उस वक्त ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत सख्त दिल हूँ, लेकिन जब उस काम को मुकम्मल कर लेती हूँ तब सब रियलाइज करते हैं कि हाँ ये फाइट करना ज्यादा बेहतर था। मैं सेल्फ पिटी और उदासी में नहीं जा सकती। मुझे लगता है कि खुश होने के लिए इंसान के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ। जैसे जैसे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा है, सबीना अपनी टीचर्स के मशवरे से मुस्तकबिल की हिकमत अमली बना रही हैं। तुम लोगों को आज जो बुलाने का जो मकसद था, जो इमरजेंसी में मैंने तुमसे कहा कि बैठो काम है, जो बॉन्ड क्रिएट हुआ हुआ है बच्चों के साथ, जिस तरह का तुम लोग उनके साथ रहते हो, इनके आदतों से वाकिफ हो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है अगर हम इस तरह 20-20 बच्चे हर साल लेते जाएं तो आपको अपने वो पुराने बच्चे याद रहेंगे? याद तो रहेंगे लेकिन हम मिल नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। और आगे जाकर अगर बच्चे बढ़ जाएंगे तो हम लोग एक वक्त में सबको एक तो बुला नहीं सकते, और फिर अगर फर्स्ट बैच है हम उसके ऊपर अगर ध्यान नहीं गया तो फिर उनकी एक्टिविटीज़ का हमें पता नहीं चलेगा, फिर उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो भी हम लोग वो नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। तो अगर मैं तुम लोगों को ये कहूँ कि हम इस साल स्कूल बंद कर देते हैं? स्कूल बंद कर दिया तो फिर उन बच्चों का क्या होगा? स्कूल को बंद अगर मैं ये कहूँ कि हम यहाँ से स्कूल को शिफ्ट करें तो जगह देखो अभी है ना, पहली बात तो हमें ये सोचना है हम बड़े बड़ी जगह कितनी चाहिए, हम शिफ्ट कर क्यों रहे हैं? शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं कि अब हम चाहते हैं कि हमारे एलुमनाई रोज़ आए हमारे पास। अगर हम ऐसा कुछ सिलसिला रखें कि हम बजाय अब किरण स्कूल बनाने के हम किरण होम बना लें, और उसमें हमारे बच्चे सारे स्कूल से सीधा हमारे पास आएँ, हम उनको रिसीव करेंगे, खाना तैयार होगा, हमने उनको खाना खिलाना है सबसे पहले, और उसके बाद हम उनको पढ़ाना शुरू करेंगे, उनकी स्कूल की पढ़ाई, साथ में ग्रूमिंग, साथ में जनरल नॉलेज, एक्सरसाइज क्लासेस, न्यूट्रिशन क्लासेस। इनके घरों के हिसाब से ये किसी हॉस्टल में है, उनको हमने एक सपोर्टिव माहौल देना है। घूमने का उनको फिर मौका ही नहीं मिलेगा, स्ट्रीट्स में घूमने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लोग भी जिस तरह से एजुकेशन हो रही है बच्चों के साथ साथ हम गली वालों को भी इतना ग्रूम कर रहे हैं, तो ये सब रुक जाएगा आपको नहीं? इसका तरीका एक ये है ना, बच्चे तो हमारे सारे मॉर्निंग में नहीं आएंगे ना, दोपहर में आएंगे, हम उस मॉर्निंग में बाकायदा एक करिकुलम बनाएं माओं के लिए, हमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फिर रिलेशनशिप्स, इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, और हमें इन चीज़ों के लिए टीचर्स सिर्फ उन्हीं इलाकों में मिल सकती हैं, यहाँ नहीं मिल सकती। So that's the main point for shifting. और ये सारी चीज़ को जहन में रखो, और आपने घर सब कुछ, ये नेक्स्ट 5 साल का गोल है, नेक्स्ट 5 साल के अंदर इनकी दूसरी चीज़ों पर तवज्जो देनी है। बच्चे को हमने सेट कर दिया एक अच्छी स्कूल में, अब देखना है कि घर के अंदर क्या हो रहा है, ताकि पूरा बच्चे का जो एक एनवायरनमेंट है ना वो बदलेगा, तब इनकी लाइफ बदलेगी। सबीना के लिए ये एक मुश्किल फैसला है, मगर उम्मीद की किरण नजर आ रही है। किरण की तर्ज पे एक और स्कूल बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत माशाल्लाह।
बहुत अच्छा लगता है। ये आपने नीचे का लोअर रखा है ना फॉर आई लेवल, खुद बच्चे जो लगाएंगे चीज़ें। Savina aunty is the main inspiration. The Kiran school system is the model that we have kept in front of us. और हम उसी को follow करना चाह रहे हैं, ना सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ये school system start करा but इसको आगे लेकर गई। और हम, मेरे लिए और हमारी team के लिए ज़्यादा inspiration की बात यह है कि वो सिर्फ बच्चों को नहीं कर रही हैं, वो उस पूरी कम्युनिटी को, पूरी लियारी की जो कम्युनिटी है उसको तब्दील कर रही हैं। होता है ना, कुछ लोग कहते हैं हम करेंगे, उन्होंने करके दिखाया है। आज यहाँ ऑरेंज स्कूल आके इतना अच्छा लग रहा है, यकीन करो, ऐसे लग रहा है कि जैसे दोबारा से रिलिव, नहीं दोबारा से एक ज़िंदगी, नई ज़िंदगी जैसे स्टार्ट हो रही हो। आई पीछे जा रही हूँ 5 साल पहले किस तरह मैंने शुरू किया था, और आज इन लोगों को मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। ऑरेंज स्कूल अनकरीब खुलने वाला है और सबीना स्कूल के हर कदम पे मदद कर रही हैं। कि वो रो रहा है, बैठ रहा है, हम भी माओं को बिठाते थे 1 घंटा, लेकिन हमने माओं के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि आप रूम में नहीं आएंगी। बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि माएँ रोज पीछे पीछे आ जाती थी बच्चों के रूम में, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मेरी माँ की यहाँ एंट्री नहीं है इस पॉइंट के बाद, तो फिर वो कभी भी यहाँ बैठे बैठे नहीं कहेगा मुझे मम्मा चाहिए। लेकिन ये मम्मा वहीं तक है। अगर मैं अपनी स्कूल में तो और बच्चे अब नहीं ले सकती और नहीं लेना चाहती, लेकिन ज़ाहिर है ऑरेंज ट्री अब लेगा, इनका तो पहला साल है तो ये और बच्चे लेगा, तो ये मेरे लिए ऐसे ही है कि जैसे मेरा पुराना काम इन्होंने संभाल लिया और अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं विरासत, जैसे नहीं आप शिफ्ट देते हैं किसी को, बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। कंग्रेचुलेशन, माशाल्लाह हो गया आप लोगों का ड्रीम पूरा। ये तो भागते हुए आ जाएंगे अभी सारे के सारे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन। चलो आ जाओ, लाइन बनाओ, शेरवानू यू बी इन द फ्रंट, मेक अ लाइन, मेक अ लाइन, मेक अ लाइन। हु वाज कायदेज मोहम्मद अली जिन्ना? सो इज ही अ ग्रेट मैन? यस। सो व्हाट शुड वी डू टू हिम फर्स्ट? विद रिस्पेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। Sit down here. We're gonna have a talk about Qaedism here. Hamza, can you read this, please? Every person in this world has a hero. Okay, stop. Do you have a hero? इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं देख रही हूँ एक और कायद बनते हुए, बल्कि एक अल्लामा इकबाल भी बनते हुए। मैं चाहती हूँ ज़रूर कि ये मुल्क से बाहर भी जाएँ, दूसरे मुल्क भी देख कर आएँ, लेकिन पलट के वापस अपने ही मुल्क आएँ और इस मुल्क को बदल सकें। दुआ अल्लाह से करती हूँ कि मैं उस वक्त तक जिंदा रहूँ कि मैं देख सकूँ कि ये क्या बनेंगे बड़े होकर। तीन चीज़ें बोली हैं हमको, कौन सी तीन चीज़ें आपको पता है? फेथ, यूनिटी। यूनिटी का क्या मतलब है? एक दूसरे का हाथ पकड़े। यूनिटी का क्या मतलब है? हम सब साथ हैं, वी आर यूनाइटेड। ओके, we're going to read Pak Sar Zameen Shadbaz zor se, all right? Pak Sar Zameen Shadbaz Kishwar-e Haseen Shadbaz जब आप लोगों के लिए काम करने के लिए निकलते हैं तो ये इतना खूबसूरत नशा है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप फ्लो होते चले जाते हैं उसमें। Let's see who wants a Barbie doll. It's a big one. It's a big one. मैंने नहीं सोचा था कि मैं 100 बच्चों की फैमिलीज को बदल सकूंगी, मैंने तो बस यही सोचा था कि ये 10 या 20 फैमिलीज अगर बदल जाए। बस अल्लाह ताला ने ऐसे रास्ते बनाए, आगे बढ़ते चले गए, लोग आए, इतने अच्छे लोग मुझे मिले, डोनर्स मिले, फंड्स मिले कि मैं यहाँ तक आ सकी। नहीं
بہت چیزیں پوچھنی ہیں. جب اورنج ٹری کے بچوں نے آ کے مجھ سے بات کی تب مجھے یہ لگا کہ شاید کوئی کام میں نے کیا ہے جس کو لوگوں نے نوٹس کیا ہے. مجھے تو نہیں لگتا تھا, میں اتنی خاموشی سے کر رہی تھی کہ میرے پاس وقت ہی نہیں تھا میں ارد گرد دیکھ سکوں کہ کون انسپائر ہو رہا ہے کون نہیں ہو رہا ہے. لیکن جب سے اورنج ٹری بنا ہے تب سے مجھے یہ ریئلائزیشن ہونے لگی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں, اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پورٹری ایسا کرنا چاہیے کہ لوگ انسپائر ہوں. تو میں اور کوشش کرتی ہوں کہ میں اس طرح بننے کی کوشش کروں کہ کوئی انسپائر ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ مجھے دیکھ کے کام کر سکے. میرا نام عادل ہے. میرا نام شہربانو ہے. میرا نام اکثر ہے. میں ڈاکٹر بن کے لیاری کے لوگوں کی مدد کروں گی. میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں تاکہ میں راشد مناف کے جیسا جا سکوں. میں خواب دیکھتی ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں لیاری والے لوگوں کی مدد کری اور ان کو میڈیسن دی. ہم لوگ کہتے ہیں دل میں ہم لوگ لیاری کو اچھا بنا کے دکھائیں گے. میرا خواب ہے کہ میں بڑے ہو کے ٹیچر بنوں اور لیاری میں لائبریریز بناؤں.